सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, सबसे पहले तो आप लोगों को रमजान मुबारक, है ना? अभी रमजान चल रहा है ना? और इससे पहले हमने क्या, अभी आपको लाइव क्लास भी आपका स्टार्ट हो चुका है। ओके, आई होप आपको लाइव क्लास में आप लोग अटेंड करते हो और अच्छे से आपको समझ में भी आता होगा। ओके, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सब तो मैंने आपको पहले वीडियो में वर्णमाला स्वर व्यंजन सिखा दिया है, लेकिन एक बार और हम इसको रिवाइज करेंगे, है ना? एक बार और इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। और ये मैं क्यों बना रहे हैं हम लोग ये लाइव क्लास का वीडियो, क्योंकि बहुत बच्चों को नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, नेट की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता अच्छे से, है ना? और जो बच्चे बहुत से अटेंड भी नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको ये वीडियो में आप लोगों को बना के भेज रहे हैं। जो भी हमने लाइव क्लास, दो दो क्लास हमारी लाइव हुई है ना अभी तक, थर्ड क्लास, थर्ड में, तो उन दोनों का मैं आपको पूरा इसके अंदर जो जो हमने पढ़ा है वो मैं वापस से इसमें वीडियो में आपको बता के बताऊंगी, है ना? कि हमें किस तरह, और आपको ये लिखना भी नहीं है बेटा, खाली आपको क्या करना है, इसको ध्यान से समझना है। लिखने के लिए मैं आपको PDF भेजूंगी, उसमें आप लिखना है ना। तो हमने क्या किया था बेटा, ये स्वर और व्यंजन का अभ्यास कर लिया था, है ना? तो वर्णमाला में होते हैं स्वर और व्यंजन, तो अ से लेके अह तक होते हैं ना, या तक होते हैं, औ तक, और ये अनुस्वर और विसर्ग होते हैं। इस तरह से अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अह। फिर व्यंजन वर्ण होते हैं 33, क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण ड ढ, फिर त त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स सह, फिर क्षत्रज्ञ श, ये व्यंजन होते हैं। ओके, उसके बाद में अमात्रिक शब्द देखते हैं, बिना मात्रा वाले शब्द, है ना? वो हमने करे थे तीन चार, दो तीन चार वर्ण वाले अमात्रिक शब्द, जैसे जग, घर, घौरा मिला के घर बन गया, च और ला मिला के चल बन गया, न और ला मिला के नल बन गया, र और थ मिला के रथ। फिर तीन वर्ण वाले हो गए, जैसे न मन नमन, बतख बतक, नरम नरम, और चार वर्ण वाले शरबत शरबत, झट पट झटपट। इस तरह से ये चार वर्ण वाले हुए, है ना? ये हम पढ़ चुके हैं। आपको लग रहा होगा मैडम बार बार यही बता रही है, लेकिन बेटा इसलिए हम इसको बता रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हिंदी में हमें मात्राएं और वर्ण पहचानना हमें आना चाहिए, और बिना मात्रा वाले शब्द, छोटे छोटे शब्द बनाना आना चाहिए, है ना? क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तो हमें अच्छे से पढ़ना नहीं आ पाएगा। ओके, अब हमने क्या करा है, नीचे छोटे छोटे शब्द वाक्य बनाए, है ना? छोटे छोटे शब्दों को मिला के हमने वाक्य बनाए, जैसे ये घर चल, अब ये दो शब्द मिल गए, इनसे एक वाक्य बन गया घर चल। फिर बतख बतख पकड़, झटपट शरबत रख, अब ये दो वर्ण वालों का एक वाक्य बन गया, फिर तीन वर्ण वालों का बन गया, फिर ये चार वर्ण वालों का बन गया। ओके, अब इसी तरह से हम आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट। उसमें अब ये नेक्स्ट उसमें क्या कराया था मैंने आपको, 12 घड़ी, है ना? 12 खड़ी में जैसे ये होता है, क खाली का है और का पे मात्रा लगा दी हमने आ की, तो किसका उच्चारण कैसे हो जाएगा, का। फिर का पे छोटी की मात्रा लगा दी की, फिर इस पे बड़ी की मात्रा लगा दी की, ऊ की मात्रा लगाई कु, फिर कु के कई को कऊ कं कह, इस तरह से 12 खड़ी हो गई। इसी तरह से कोई भी वर्ण चेंज हो जाता है लेकिन मात्रा सेम, देखो उच्चारण भी इसका सेम होगा। जैसे इसको क बोलेंगे और इसको ज बोलेंगे, बिना मात्रा वाला शब्द है ना। अब इसी तरह से का पे आ की मात्रा लग गई है तो का, और का पे जा की, जा पे आ की मात्रा लग गई है तो जा, फिर का पे छोटी की मात्रा लग गई है की, और इस पे जा पे लग गई है जी। इसी तरह से यहाँ पे का पे बड़ी की मात्रा लग गई की, फिर जा पे बड़ी की मात्रा लग रही है जी। ऐसे यहाँ ऊ की मात्रा लग रही है कु, फिर यहाँ पे लग रही है जू, फिर कु और ये जू, फिर के और ये जे, फिर कई, फिर ये जा पे लग रही है जई, फिर यहाँ ओ की लग रही है को और ये जो, फिर कऊ की लग रही है और यहाँ जा पे औ औ की मात्रा लग रही है जऊ, फिर ये जंग और जह विसर। ओके, इस तरह से वर्ण अगर चेंज हो जाता है लेकिन मात्राओं जब हम लगाते हैं, तो वर्ण अगर चेंज है लेकिन मात्रा के साथ जब हम उसको मिला के बोलते हैं तो उच्चारण उसका ऐसे सेम आना चाहिए। ओके, वर्ण चेंज हो सकता है लेकिन जब मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण सेम होगा। ओके, अब इसी तरह से जैसे म मा मी मी मू मू मे मई मू मऊ, फिर मम महा, फिर र रा री री रू। अब यहाँ पे देखो रू रा पे, हम मैंने आपको बताया है कि रा पे ऊ की मात्रा कभी भी
नीचे नहीं लगाते हैं। ओके यहाँ पे हमको, अब यहाँ पे कैसे ऊ की मात्रा यहाँ नीचे लग रही है, लेकिन मा पे भी देखो नीचे लग रही है, लेकिन रा पे हमको छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगानी है और ये बड़े ऊ की मात्रा हमको इस तरह से लगानी है, ऐसे लाइन खींच के। और ऐसे रा पे हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमेशा रा पे कभी भी ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगाते हैं, हम साइड पे लगाते हैं। रू रू रे रई रू रऊ फिर रंग रह। ओके अब यहाँ नीचे देखते हैं बेटा मात्राओं का अभ्यास, है ना। अब मात्राओं में देखो कौन कौन सी मात्रा होती है, जो स्वर होते हैं वो ही मात्रा के रूप में लगाए जाते हैं वर्ण में, है ना, तो उससे मात्राओं का उच्चारण आ जाता है। अब ये सबसे पहले आ की मात्रा है तो इससे शब्द कैसे बन रहे हैं, माला राजा बादल मकान। फिर यहाँ ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा कहाँ लगाते हैं, वर्ण के आगे लगाते हैं, तो किस तरह से बोलेंगे इसको, दिन लिख खिल गिल। फिर बड़ी की मात्रा को कैसे लगाएंगे हम, तितली डाली जाली पानी। अब उच्चारण चेंज हो रहा है ना, अब तापे आगे तो ई की मात्रा लग रही है छोटी ई की और पीछे बड़ी ई की लग रही है, तो इसको बोलेंगे ती। फिर यहाँ बोलेंगे ली, ऐसे खींच के बोलेंगे ना, तितली डाली जाली पानी, ऐसे खींच के बोल रहे हैं। ओके अब ये देखो छोटे ऊ की मात्रा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, गुल पुल चुप सुन, है ना। अब ये बड़े ऊ की मात्रा, अब ये बड़े ऊ की मात्रा को मैंने बताया ना आपको, डमरू। अब ये बड़े ऊ बड़ा ऊ आ रहा है, तो यहाँ पे हमने नीचे नहीं लगाई है, देखो साइड पे लगी है ना, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, डमरू डमरू। फिर मजदूर ऐसे, अब इसको तो पुल ऐसे बोल रहे थे, लेकिन इसको मजदूर थोड़ा खींच के बोलेंगे। ओके बेटा तो हमको ये यहाँ तक समझ में आ गया बड़े ऊ की मात्रा। फिर आगे देखते हैं हम कौन सी मात्रा आती है, फिर है ये छोटे ए की मात्रा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, ए का उच्चारण आना चाहिए, जैसे माँ पे लगा दिए, मेला देखा रेखा सपेरा, यहाँ पे बीच में आ रही है तो पे, पापे बोलेंगे पे सपेरा। फिर हो गई ये छोटे ए की मात्रा, मेला देखा रेखा सपेरा। अब आई की मात्रा है, मैदान बैलगाड़ी तैरना। फिर यहाँ ओ की मात्रा है, ये देखो ओ है, ओ की मात्रा है, मोर जोकर कोयल गोल। फिर है ये औ की मात्रा है, पौधा तौलिया सौदागर। फिर ये अनुस्वार है, जैसे हंस बंदर अंगूर। अब देखो ये जो अनुस्वार होता है इसको हम बिल्कुल जहाँ पे लगाना होता है वहीं लगाते हैं। ओके जैसे यहाँ पे हा पे लग रहा है तो हंस, हा के बाद उच्चारण आ रहा है इसका, और यहाँ पे बंदर तो यहाँ भी आगे उच्चार, इसको हम उल्टा सीधा नहीं लगा सकते, अगर हम इसको अनुस्वार को यहाँ लगा देंगे हाँ पे तो ये गलत हो जाएगा ना, हसन हो जाएगा ऐसे, तो लेकिन हमको सही जगह पे इसका उच्चारण सॉरी लगाना है इसको, है ना, लगाना है इसको, है ना। तो अब जैसे ये बंदर हो गया, बंदर तो बा के बाद ही हो रहा है इसका उच्चारण, तो ये बा पे ही लगाएंगे। अंगूर में भी ऐसे ही आगे लगेगा अंगूर, है ना, लेकिन जब हम पतंग लिखते हैं ना बेटा तो उस पर कैसे लिखेंगे, जैसे पतंग गु, अब पतंग में कहाँ लगाएंगे, तापे लगाएंगे तब इसका उच्चारण पतंग पंतंग। अब ये बंदर बापे आ रहा था तो इसका उच्चारण कैसे बोल रहे थे, बंदर। अब पतंग में पापे नहीं है, तंग पे है, तो है ना, तो यहाँ बीच में लगाएंगे। अगर ये हम इधर उधर लगाएंगे तो इसका पूरा इसका उच्चारण ही चेंज हो जाएगा। ओके लेकिन अनुस्वार हमको सही जगह पे लगाना है, ऐसा नहीं मैडम ने बोल दिया अनुस्वार लगाओ तो कहीं भी आपने हापे लगा दिया सापे लगा दिया तो गलत हो जाता है ना, जहाँ पे लगना चाहिए वहीं ये अनुस्वार लगता है। ओके उच्चारण में जब हम बोल के देखेंगे तो उसका उच्चारण भी चेंज हो जाता है। अब है ये री की, ये विसर्ग, विसर्ग बोलते हैं इसको ना, जैसे नमः पुनः प्रातः। फिर री ऋषि वाली मात्रा, मृग मातृ गृह। फिर ये चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु भी मैंने आपको सिखाया उस तरह से ना, जैसे चापे लगा दिया चांद आँख, उच्चारण में भी अंतर हो रहा है ना, अगर हम इसको हटा देंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको, चाँद आँख, आँख नहीं होता आँख ऐसे बोलते हैं ना, और चांद में कैसे बोलते हैं, चांद। ओके बेटा अभी हमने यहाँ तक मात्राओं का किया, अब हम वाक्यों का अभ्यास करते हैं, वाक्य कैसे बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि बिना, ये बिना मात्रा वाले हैं, तो हम इनसे बिना मात्रा वाले शब्दों से कैसे वाक्य बनाएंगे, जैसे मदन फल ला, अब ये आ की मात्रा आ रही है यहाँ पे ला। फिर छत पर जल रख, अमन पनघट पर चल, कलम पकड़ शहद चख। फिर सज धज कर सर्कस चल। ओके
आ गया ये समझ में? ये बिना मात्रा वाले शब्दों के वाक्य बनाए, शब्दों से मिलाकर हमने वाक्य बनाए। अब मात्रा वाले शब्दों से हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो मात्रा, अब ये क्या है, मैंने आपको ये पूरा एक पैराग्राफ कराया, अब इसको हम पढ़ के देखेंगे कि हम इसको रीड कैसे करेंगे। इसके अंदर हमको सारी मात्राएं मिल जाएंगी। ओके, अब जैसे यहाँ पे पहला क्या है, जैसे राम आम खा, फिर अमन पाठशाला जा, दिन निकल आया, फिर कविता पढ़। अब इसके अंदर कितनी मात्रा आ रही है, छोटी की ये रही, आ की मात्रा आ रही है, ये भी आ की मात्रा आ रही है। ओके, इस तरह से इस जो हमने वाक्य बनाया इसके अंदर आ की मात्रा भी मिल रही है हमको, छोटी की मात्रा मिल रही है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, नानी नमकीन लाई। अब यहाँ पे ना पे बड़ी की मात्रा आ गई, इधर ऊपर छोटी की मात्रा आई थी, तो ये बड़ी की मात्रा, तो इसको कैसे खींचेंगे, नानी नमकीन लाई पपीता खा। पपीता तो सब जानते हो ना, फ्रूट जो खाते हैं हम, फ्रूट में पपैया बोलते हैं। बकरी भागी, अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, ये भी बड़ी की मात्रा है। ओके, अब ये देखो वर्ण के आगे जो लगाते हैं छोटी की, और वर्ण के पीछे लगाते हैं बड़ी की, और इसको नॉर्मल में बोलते हैं और उसको थोड़ा खींच के बोलते हैं। ओके, अब ये देखो छोटे ऊ की मात्रा लग रही है, गुलाब खिला, फिर चिड़िया उड़कर आई, दाना लाई, दाना जो चिड़िया क्या खाती है, दाना खाती है ना, खाना खाती है उसको, वो अपना दाना बोलती है उसको, दाना लाई, फिर कछुआ। अब छापे कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, कछुआ धीरे धीरे पहुंचा, अब यहाँ चंद्र बिंदु लग रही है ना, पहुंचा, इस तरह से हम बोलेंगे इसका उच्चारण। फिर है सूरज निकला, अब ये सापे कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, सू ऐसे खींच के बोल रहे हैं ना हम, सूरज निकला, यह मेरा ग्रह है, ग्रह मीन्स घर है। ओके, अब ये री की मात्रा भी यहाँ पे आ गई, ए की मात्रा भी आ गई है ना, ये भी ए की मात्रा है। इस तरह से नीचे देखते हम, शेर जंगल का राजा होता है, अब ये जापे क्या लगाए, अनुस्वार लगाए। ओके, शेर जंग, अब ये देखो यहाँ पे लिखा है हमने जंग, ऐसा उच्चारण, अगर अनुस्वार को हटा देंगे तो जगल हो जाएगा, लेकिन क्या बोलेंगे इसको, जंगल, तो ये अनुस्वार यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे जंगल, शेर जंगल का राजा होता है, शेर सबने देखा है ना, जंगल में होता है ना शेर लॉयन। फिर वह सैर, अब यहाँ पे दो मात्रा आ रही है, ये आई की मात्रा आ गई है, ये शेप ए की मात्रा थी और यहाँ पे आई की मात्रा है, तो सैर ऐसे बोल रहे हैं इसको, से ऐसे बोल रहे हैं। ओके, उच्चारण में अंतर दिखाई दे रहा है ना ए में और आई में, तो बोल के आपको देखना है कि कैसे इसका उच्चारण हो रहा है। ओके, तो कैसे पढ़ेंगे, वह सैर करने निकला, अब ये करने, अगर दो मात्रा होती तो कैसे बोलते हैं इसको, नए करने ऐसे नहीं बोलेंगे, करने, और ये सैर, वह सैर करने निकला। फिर नीचे हम देखते हैं ये ओ की मात्रा आ गई यहाँ पे, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, घोड़ा तेज दौड़ता है, अब यहाँ एक ओ की मात्रा है तो घोड़ा, फिर यहाँ पे औ की मात्रा है तो दौ, ऐसे बोल रहे हैं ना उच्चारण में, घोड़ा तेज दौड़ता है, मैंने पतंग उड़ाई। अब देखो मैंने अभी बताया था आपको पतंग, तो यहाँ तापे लगा हुआ है अनुसार, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, पतंग उड़ाई। फिर है चांद आसमान में निकला, अब चांद पे कौन सी मात्रा आ गई, चंद्र बिंदु आ गया ना चांद। फिर है मैंने ऊंट, अब ऊ पे भी कौन सी मात्रा है, चंद्र बिंदु है। ओके, तो हमको ये ध्यान रखना है, चंद्र बिंदु को थोड़ा ऐसा लगाते हैं और अनुसार खाली बिंदी लगाते हैं, ये देखो ये लगा है यहाँ पे, मैंने ऊंट की सवारी की, मैं पाठशाला जाती हूँ, और अगर बॉयज बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जाता, और गर्ल्स बोलेंगी तो क्या बोलेंगी, जाती, तो यहाँ बड़ी की मात्रा लग रही है, मैं पाठशाला जाती हूँ, यहाँ चंद्र बिंदु आ रहा है। ओके बेटा, ये समझ में आया आपको, और ये पैराग्राफ आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, लेकिन जब हम पढ़ने लगेंगे तो हम इसको धीरे धीरे एक एक वाक्य को हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं आपको और संयुक्त व्यंजन संयुक्त अक्षर वगैरह बताऊंगी। ओके, और जब तक आप इसका पढ़ पढ़ के इसका अभ्यास करना, ऐसा नहीं इसी पैराग्राफ को पढ़ो, आपके पास पुरानी जो नोट टेक्स्ट बुक है
है ना, आपके पास सेकंड की टेक्स्ट बुक है उसमें भी लेसन दे रखे हैं कितने सारे, तो आप उनको भी अच्छे से छोटे पेंसिल रख रख के एक एक शब्द को देख देख के रीड कर सकते हो, और इससे आपको रीड करना भी अच्छे से आ जाएगा। ओके, अभी हम थोड़ा सा करके फिर नेक्स्ट उसमें वीडियो में मैं आपको लाइव क्लास में भी आपको नया लेसन हम स्टार्ट करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में से, क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक में भी करना है ना, इसलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। और अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, और मम्मी पापा को अभी रमजान है, रोजे चल रहे हैं ना उनके, तो उनको परेशान नहीं करना है, अपने टाइम पे जिस तरह से आपको पढ़ना होता है थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप अपने आप, मम्मी पापा को कहने की भी जरूरत नहीं पड़े, आपको अपने आप ही अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते रहना है। ओके, आई होप के और आप लोग भी, रमजान का महीना है, अल्लाह को दुआ करो कि हमारे स्कूल वापस जल्दी से खुले, क्योंकि इस बार भी प्रॉब्लम है। और हाँ, आप लोगों को क्या करना है, हैंड वॉश करते रहना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है ना। तो ओके बेटा, थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो जो जिसने ये क्लास अटेंड नहीं की थी लाइव क्लास, उसका मैंने ये सब भेजा है आपको, और आप अच्छे से इसको समझ लेना। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।